आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत संधावा। बेगुनाहों को ढाल बनाने वाले पाकिस्तान को आज हम बेनकाब करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। पाकिस्तान ने आज सुबह भी राजौरी के नौशहरा सेक्टर में सीज फायर तोड़ा है, अंधाधुंध फायरिंग की, और पाकिस्तान के उकसावे की कार्रवाई का सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। एलओसी पर पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की सेना पीओके के बेगुनाह नागरिकों को अपनी ढाल बना रही है, उन्हें जानबूझकर भारतीय गोली के निशाने पर ला रही है। भारतीय सेना बेहद संयम से काम लेकर पाकिस्तान के इस चाल को नाकाम कर रही है। वादियों से उठता ये धुआं पाकिस्तान की हिमाकत का सबूत है। कश्मीर पर कूटनीतिक मोर्चे पर मात खाने वाला पाकिस्तान अब कायराना हमले कर रहा है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। वो एलओसी पर बसे गांव के लोगों को निशाना बना रहा है। उसके मोर्टार के निशाने पर स्कूलों के बच्चे भी हैं। शुक्रवार को इमरान खान एलओसी पर आए और शनिवार को पाकिस्तान ने फिर से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की कायर सेना ने आज सुबह भी नौशेरा और राजौरी में उकसावे की कार्रवाई की, अंधाधुंध फायरिंग और मोर्टार दागे। पाकिस्तान ने कल सुबह भी कृष्णा घाटी सेक्टर में सीज फायर तोड़ा, फिर शाम को पुंछ सेक्टर में गोलियां बरसाई। पाकिस्तान को एक एक हमले का मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। पाकिस्तान ने सुबह 8:30 बजे के करीब फायरिंग की, जिसमें छोटे हथियारों बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया, जो कि स्कूल के बच्चे थे, काफ़ी डर के बच्चे स्कूल से। हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जिसकी वजह से जो फायर करते हैं, फायर की वजह से बच्चों को डर पैदा हो जाता है। ना हम घर का काम कर सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, गाड़ियाँ चलना बंद हो जाती हैं, जिससे हमारे को बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर तो ज़्यादातर दिन हर दिन फायर होता है, एक दिन छोड़कर एक दिन, कभी रात को दिन को। यहाँ पर बहुत डर का माहौल है, बच्चे स्कूल जाते हैं, डरते हैं उनके माँ बाप स्कूल भेजने से फायर के डर से। बौखलाए पाकिस्तान सरहद पर हर तरह की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की एक नई साजिश से हिंदुस्तान सावधान हो गया है। दरअसल पाकिस्तान एलओसी पर नागरिकों को सेना की ढाल बना रहा है। शुक्रवार को पीओके के लाम इलाके में पाकिस्तान पोस्ट के पीछे काफी शोर शराबा हुआ। इसी बीच पठानी सूट पहने 6 लोग पोस्ट से आगे आ गए और एलओसी से 150 मीटर के दायरे तक आ गए। सेना ने इन्हें पीछे हटाने के लिए संयमित फायरिंग की, किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान चाहता है कि वो नागरिकों को ढाल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सेना को बदनाम करे। पाकिस्तान को साफ तौर पर समझ आ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान बहुत स्ट्रांग है, हमारा सिक्योरिटी ग्रिड और एंटी टेररिज्म ग्रिड जो है बहुत मजबूत है, और किसी प्रकार की उसकी घुसपैठ सक्सेसफुल नहीं होगी। बिना मतलब के अपने लोगों को क्यों मरवा रहा है हर दिन। पाकिस्तान की चोरी और सीनाजोरी भी देखी। पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन पर भारतीय राजदूत को समन किया है और आरोप लगाया है कि भारतीय सेना की फायरिंग में उसके 4 नागरिक घायल हुए हैं। पाकिस्तान के इन आरोपों से साफ है कि वो नागरिकों को अपना कवच बनाकर उनकी आड़ में भारतीय सेना को बदनाम करना चाहती है, ताकि कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकी मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। कल सोपोर में आतंकियों ने एक घर में घुसकर 2.5 साल की मासूम पर हमला कर दिया। बच्ची की हालत बेहद गंभीर है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। और एलओसी से सीधे आपको श्रीनगर में ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। श्रीनगर में प्रशासन ने आज पाबंदियों को फिर से बढ़ा दिया। मुहर्रम को देखते हुए लाल चौक पर निगरानी सख्त कर दी गई है। कश्मीर में एक बार फिर पाबंदियों का पहरा बढ़ गया है। श्रीनगर की सड़कों पर खामोशी की चादर बिछ गई है। प्रशासन ने एहतियातन मुहर्रम का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। रोक इसलिए ताकि इसकी आड़ में कोई अनहोनी ना हो। 8 मुहर्रम के दिन जो मुहर्रम जुलूस हैं वो लालचौक के इलाके से गुजरते हैं, उन्हीं को रोकने के लिए इस तरह के कड़े उपाय जो है श्रीनगर शहर के बीचों बीच किए गए हैं। लालचौक का पूरा इलाका सील कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये एक रास्ता है जो लालचौक को शहर के बाकी इलाकों से पैदल जोड़ता है, इस पर भी तार लगा दी गई है दोनों तरफ से, ताकि कोई भी शख्स जो है लालचौक से न बाहर आ सके और ना ही कोई लालचौक के भीतर जाए। इस पहरे पाबंदियों के बीच मोदी सरकार ने पूरा जोर जम्मू कश्मीर पर लगा दिया है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 10 मंत्रालयों को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोवल पल पल की खबर ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर टिके अजीत डोवल कश्मीरियों से लगातार बात कर रहे हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर भी वो सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठे एजेंडे को बेनकाब करने के लिए दक्षिण एशिया के कई देशों के राजदूतों से खुद बात की है।
अजय डोवल ने राजदूतों से कहा, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से वहां शांति तरक्की आएगी। कश्मीर में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराना छोड़ दे तो पाबंदी पूरी तरह से हटा दी जाएगी। एक महीने के भीतर ना कोई हिंसा हुई है ना गोलियां चलाने की नौबत आई। कश्मीर के नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। कश्मीर के किसी नेता पर देशद्रोह का या कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं किया गया है। पाकिस्तान की साजिश को दरकिनार करते हुए सरकार बड़ी सावधानी और खामोशी से घाटी में हालात सामान्य करने के प्लान पर आगे बढ़ रही है। सरकार दो मोर्चे पर काम कर रही है। पहला, जल्द से जल्द सारी पाबंदी हटा दी जाए। दूसरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की बड़ी खेप भेजी जाए। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और बात करते हैं पाकिस्तान की गीदड़ भपकी देने वाली ब्रिगेड की, जो मुंह खोलते ही अनाप शनाप धमकियां निकालने लगती है। इमरान सरकार के मंत्री से लेकर सेना के अधिकारी तक सब गैर जिम्मेदाराना बयान देकर खुद को दुनिया के सामने बेनकाब करने में लगे हुए हैं। जब बाजी हाथ से निकलने लगती है तो कुछ नहीं सोचता, दिमाग काम करना बंद कर देता है, जुबान चलते। यही हाल पाकिस्तान के हुक्मरानों का हो गया है। कुछ न समझ में आए तो बैठे बैठे परमाणु हमले की धमकी ही दे दो। पाकिस्तान के सत्ता नशे ही नहीं, सेना भी बड़बोले बयानों की बौछार कर रही है। खुद लड़ना बस की नहीं तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ धमकी देकर दिल की तसल्ली कर रहे हैं। पाकिस्तान की गीदड़ भपकी ब्रिगेड में शामिल रेल मंत्री शेख रशीद के तो कहने ही क्या, उनके बयान तो हिंदुस्तान के बच्चों के लिए चुटकुले बन गए हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।